आज हम लोग पेल्विस बोन के बारे में डिस्कशन करेंगे और पेल्विस बोन कितनी बोन से मिलकर बना था उसके बारे में देखेंगे और ये कितने इसमें जॉइंट्स होते हैं और उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या है कि जो भी आपका पेल्विस बोन होता है वो क्या है, फोर बोन से मिलकर बना होता है। कितनी बोन से मिलकर बना होता है, फोर बोन से। इसमें क्या होती हैं, टू इनोमिनेट्स बोन होती हैं। कितनी इनोमिनेट होती हैं, टू इनोमिनेट बोन होती हैं, वन देन सेकेंड। ये क्या है, ये आपकी क्या होती हैं, दो इनोमिनेट बोन होती हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड कौन सा होता है, इसमें शेक्रम होता है। फोर्थ होता है आपका कॉक्सिक्स। कौन सा होता है आपका, फोर्थ क्या होता है, कॉक्सिक्स। तो ये क्या होती है, फोर बोन से मिलकर बना होता है। तो इसकी जो इनोमिनेट बोन होती है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, थ्री बोन से मिलकर, या थ्री पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा, इलियम। तो ये वाला जो भी पोर्शन है आपको, ये आपको शो हो रहा होगा, तो ये क्या होता है, इलियम पोर्शन होता है यहाँ तक। नेक्स्ट आपका इलियम से देन ये क्या होता है, इस्चियम। नेक्स्ट क्या होता है आपका, प्यूबिस। तो ये थ्री पार्ट से मिलकर होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस पोर्शन से मिलकर बने होते हैं। और जो मिडिल में आपको ये दिख रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो दोनों क्या होता है, प्यूबिस को जोड़ने में हेल्प करता है। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस को जोड़ने में हेल्प करता है, वो क्या होता है आपका, सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है। तो इस तरह से क्या होती है, और बैक में क्या होती है, ये यहाँ पर जुड़ी होती है किससे, ये आपका इलियम और सैक्रम। तो ये क्या होता है, सैक्रो इलियक जॉइंट। सैक्रम और इलियक के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रो इलियक जॉइंट बोलते हैं। देन आपका सैक्रम एंड कॉक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं सैक्रो कॉक्सियल जॉइंट। तो ये इसमें क्या रहते हैं, जॉइंट्स रहते हैं। नेक्स्ट हम देखें इसके पार्ट्स के बारे में कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या है कि ये वाला पोर्शन क्या है, इलियक पोर्शन होता है। कौन सा होता है, इलियक। तो इलियक में जो भी ऊपर का पोर्शन है ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्या, इलियक क्रस्ट बोलते हैं। ये दोनों साइड में होता है, ये क्या होता है, इलियक क्रस्ट होता है। देन हम ये इसका क्या होता है, एंटीरियर पोर्शन होता है, और ये इसका पोस्टीरियर। तो ये एंटीरियर में क्या होगा, तो ये वाला जो एंटीरियर में पोर्शन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। जो कि एंटीरियर मतलब आगे है, सुपीरियर मतलब ऊपर, और इलियक स्पाइन। तो ये होता है आपका एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। देन आपका ये वाला पोर्शन होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन क्या होता है, एंटीरियर, और एंटीरियर में है साथ में क्या है, इन्फीरियर। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ है, इन्फीरियर मतलब नीचे, और इलियक स्पाइन। तो ये क्या है, आगे की तरफ है और सुपीरियर है। तो ये क्या होता है आपका, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और ये एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। नेक्स्ट आपका ये क्या रहता है, इसके बैक में, बैक में भी देखेंगे तो ये क्या रहती हैं, ये आपका बैक पोर्शन है। ये कहाँ पर होते हैं, बैक में। बैक मतलब पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। देन आपका बिलो में होता क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर क्या है, पोस्टीरियर। तो ये क्या, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, और नीचे वाला क्या होगा, पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। देन क्या होता है यहाँ पे, ये आपको एक डिप्रेस पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इलियक फोसा। क्या होता है ये, इलियक फोसा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इलियक फोसा, कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्रेस पोर्शन होता है। ये रहता है आपका क्या, इलियक फोसा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे आपको ये एक क्या दिख रहा है, हॉलो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक हॉल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक कैविटी दिख रही है। ये क्या होती है आपका, इसको हम बोलते हैं क्या, एसिटाबुलम। यहाँ पर क्या होता है, फीमर हेड, जो फीमर बोन होती है उसका हेड आके क्या होता है, फिक्स होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, ये आपको एक हॉलो कैवी, हॉलो एरिया दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, हॉलो एरिया। इसको हम बोलते हैं क्या, ऑब्चूरेटर फोरामेन। ऑब्चूरेटर फोरामेन में से क्या होती है, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के लिए आर्टरीज, वेंस एंड नर्व्स की क्या होती है, सप्लाई होती है। किसकी, आर्टरीज, वेंस एंड नर्व्स की सप्लाई होती है। नेक्स्ट आपका ये, आपको ये एक क्या दिख रहा है, आर्च दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक आर्च। इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिस आर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, प्यूबिस आर्च बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है आपका, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिम। क्या बोलते हैं इसको, ब्रिम बोलते हैं। ब्रिम से जो ऊपर का पोर्शन होगा उसको हम बोलते हैं क्या, आउटलेट, और ये नीचे का पोर्शन है जो इन करता है उसको हम बोलते हैं क्या, इनलेट। तो आउटलेट, इनलेट एंड ब्रिम, ये इसके क्या होते हैं, तीन पोर्शन होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हम कैसे कैसे, ये इसके सारे पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बैक में क्या है, और भी पार्ट्स हैं क्या हैं जो है, ये आपको ये दिख रहा है एक, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर सियाटिक नॉच। क्या हुआ ये, ग्रेटर, ग्रेटर मतलब बड़ा, सियाटिक मतलब यहाँ पर सियाटिक नर्व्स की सप्लाई होती है, और एक क्या है, नॉच। तो ये ग्रेटर सियाटिक नॉच होता है, और ये क्या होता है आपका, लेजर सियाटिक नॉच। ये क्या होता है आपका, लेजर सियाटिक नॉच। ये क्या है आपका, ग्रेटर सियाटिक नॉच। और दोनों नॉच के बीच में, दोनों नॉच के बीच में एक आपको ये पोर्शन दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टियल ट्यूब्रोसिटी।
सॉरी इलिस्टियल स्पाइन बोलते हैं। और ये आपको ये लोअर पोर्शन दिख रहा है, ये क्या होता है इलिस्टियल ट्यूब्रोसिटी होती है, और ये क्या होता है इलिस्टियल स्पाइन होता है, और ये क्या है इलिस्टियल ट्यूब्रोसिटी होती है। तो ये क्या रहते हैं इसके सारे पार्ट्स रहते हैं, और ये क्या है आपकी सैक्रम है, और देन ये क्या है आपकी कॉक्सिक्स होती है। तो हम देखते हैं कि मेल और फीमेल, जो भी मेल बॉर्न और फीमेल में क्या क्या डिफरेंट होगा और कौन कौन से पार्ट में डिफरेंट होगा। तो जो भी हम मेल में देखेंगे तो जो आपका होगा जनरल स्टडी, तो देखने तो ये कैसी होगी लाइट एंड थिन, किस में होगी फीमेल में, ये कैसी होगी लाइट होगी और थिन होगी। और जो भी मेल होगा मेल में से कैसी होगी हैवी एंड थिक होगी। जो भी बोन है वो कैसी होगी फीमेल में कैसी होगी लाइट होगी और थिन होगी, मतलब हल्की और पतली। बट मेल में कैसी होगी ये हैवी होगी एंड कैसी होगी थिक होगी। नेक्स्ट आपका इसकी हम देखते हैं क्या, जो भी आपका यह है आपका यह फॉल्स पेल्विस, जो भी क्या होगा इसका ये फॉल्स पेल्विस है, तो इसमें क्या होगा जो भी मेल में होगा वो कैसा होगा डीप होगा, और फीमेल में कैसा होगा सैलो होगा, सैलो मतलब कहीं ना कहीं एक कम डिप्रेस, और मेल में क्या होगा बहुत ज़्यादा डीप होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है ब्रिम, तो जो भी इसका ब्रिम है वो ब्रिम कैसा होगा वाइडर एंड मोर ओवल, कैसा होगा वाइडर एंड मोर ओवल शेप में होगा, और ये कैसा होगा लार्ज, ये कैसा होगा नैरो होगा, किसमें मेल में, मेल में क्या होगा नैरो होगा, और साथ ही साथ में कैसा होगा हार्ट शेप्ड, मेल में कैसा होगा ये हार्ट शेप्ड होगा और नैरो होगा, कैसा होगा हार्ट शेप्ड में होगा और साथ ही साथ नैरो होगा। देन फीमेल में कैसा होगा ये आपका कि वाइड होगा और ओवल शेप्ड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या एसिटाबुलम, मैंने अभी एसिटाबुलम बताया था जहाँ पर क्या होता है फीमर हेड आके फिक्स होता है। एसिटाबुलम कैसा होगा जो भी मेल में है वो कैसा होगा सॉरी फीमेल में कैसा होगा स्मॉल होगा, और हम देखेंगे तो कैसा होगा फेस एंटीरियरली, तो हम जब भी देखेंगे तो एंटीरियर से हमें शो होगा। देन अगर मेल में देखेंगे तो ये कैसा होगा आपका ये इसका होगा लार्ज होगा, कैसा होगा ये लार्ज होगा और फेस इज लेटरली, मतलब अगर हम इसमें क्या फीमेल में देखेंगे तो ये हमें फ्रंट से शो होगा, मतलब देखने पर कहाँ देगा एंटीरियर साइड से देखेंगे, और जो भी मेल में होगा वो कैदर होगा इसकी ओपनिंग कहाँ होगी थोड़ी लेटरल की, तो ये कैसा शो होगा लेटरली शो होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्चुरेटर फोरामेन, तो जो भी एब्चुरेटर फोरामेन है वो मेल में कैसा होगा और फीमेल में, तो जो भी मेल है उसमें कैसा होगा ये राउंड होगा, मेल में क्या होगा राउंड होगा, फीमेल में कैसा होगा ये ओवल शेप्ड, मेल में कैसा होगा ये राउंड शेप में होगा और फीमेल में क्या होगा ये ओवल शेप्ड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है कि ये आपका क्या था बताया था मैंने आपको प्यूबिक आर्च बताया था, क्या बताया था आपको प्यूबिक आर्च, जो फीमेल में कैसा होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर हम इसको देखेंगे इस तरह से तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है अगर यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो कैसे बनेगा इस तरह से बनेगा, तो ये क्या 90 डिग्री के एंगल से ज़्यादा होगा किसमें फीमेल में, अगर मेल में देखेंगे तो क्या होगा ये आर्च है वो क्या होगा लेस देन 90 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में अगर इसको स्ट्रेट करके ऐसे एंगल फॉर्म बनाए तो ये क्या होगा 90 डिग्री से बिलो होगा, वो किसके अंदर होगा मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से अबव होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें कि इलियक क्रस्ट, इलियक क्रस्ट ये वाला पोर्शन बताया था मैंने क्या होता है इलियक क्रस्ट होती है, तो इलियक क्रस्ट जो फीमेल में होंगे वो कैसे होंगे लेस कर्व्ड होंगे, क्यों क्योंकि ये यहीं तक होगा इसे लेस कर्व्ड, और मेल में क्या होगा कि ये थोड़ा और ऊपर के लिए रहेंगे इस तरह से, ये कहाँ होंगे मेल में क्या होंगे थोड़ा और ऊपर के लिए रहेंगे, तो ये कैसे होंगे मोर कर्व्ड होंगे। नेक्स्ट आपका दिया था इलियम, तो इलियम जो भी है क्या होता है इलियक एंड इलियम, इलियम क्या होगा यहाँ पे क्या है लेटरल लेस वर्टिकल, जो इलियम क्या होगा फीमेल में कैसा होगा लेस वर्टिकल होगा और मेल में क्या होगा ये मोर वर्टिकल होगा, क्या होगा ये आपका इलियम जो फीमेल में क्या होगा लेस वर्टिकल होगा और मेल में क्या होगा मोर वर्टिकल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेटर सियाटिक नोच, तो जो ग्रेटर सियाटिक नोच जो हमने बैक पोर्शन में देखा था ये क्या था आपका ग्रेटर सियाटिक नोच था, तो ये किस में होगा जो भी हम फीमेल में देखें ये कैसा होगा वाइड होगा या अबव या ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा किस में फीमेल्स के अंदर। देन अगर हम मेल में ये देखते हैं कौन सा ग्रेटर सियाटिक नोच, क्या ग्रेटर सियाटिक नोच, तो ये मेल में होगा वो कैसा होगा नैरो होगा और ये कितना होगा अबाउट 70 डिग्री के एंगल पे, क्या होगा इसका एंगल 70 डिग्री का एंगल होगा। देन हम देखते हैं क्या कॉक्सिक्स, तो जो भी आपकी ये सबसे लोअर बॉन रहती है कॉक्सिक्स होती है, तो हम इसको अगर फीमेल में देखते हैं अगर फीमेल पेल्विस में हम देखते हैं ये कॉक्सिक्स को तो कैसी दिखेगी मोर मूवेबल एंड मोर कर्व्ड,
तो जो मोर मूवेबल होगी और एंटीरियर के लिए क्या होगी, मोर कप्ड होगी, किसमें, फीमेल के अंदर। अगर इसी बोन को हम किसको, कॉक्सिक्स को अगर फीमेल के मेल के अंदर देखते हैं तो ये कैसी होगी, कैसी होगी आपकी, लेस मूवेबल। इसमें मूवमेंट कैसा होगा, बहुत ही कम होगा, लेस मूवमेंट होगा, और ये क्या होगी, लेस कप्ड होगी। तो फीमेल में क्या होगी, मोर मूवेबल और मोर कप्ड, और मेल में लेस मूवेबल लेस कप्ड होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सैक्रम, नेक्स्ट आपका देखते हैं सैक्रम। ये वाला सैक्रम बोन होता है, ये क्या है आपका सैक्रम, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये इजीली विजुलाइज हो रहा होगा, ये क्या होता है आपका सैक्रम होता है। तो हम सैक्रम भी देखेंगे तो मेल और फीमेल में क्या डिफरेंट होगा। तो जो भी सैक्रम है, मेल में कैसा होगा, फीमेल में कैसा होगा, शॉर्टर होगा और वाइड होगा, और ये क्या होगा, एंड लेस कर्व्ड एंटीरियर, मतलब ये कैसा होगा, लेस कर्व्ड होगा, किसमें, फीमेल में, और मेल में क्या होगा, ये लॉन्गर होगा, नैरो होगा और मोर कर्व्ड होगा। तो ये मेल में कर्व्ड मोर होता है, और नीचे जो आपका कॉक्सिक्स है वो किसमें होता है, फीमेल में होता है, और ये मेल में कर्व्ड होता है मोर। तो ये इस तरह से क्या होता है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है इसके आउटलेट, क्या बताया था आउटलेट। तो इसमें क्या होगा, जो भी आउटलेट है वो कैसा होता है, इसमें मेल फीमेल में होगा वाइडर होगा, और मेल में क्या होगा, नैरो। तो आउटलेट मतलब ब्रिम, जो भी है जो कैसा होगा, आउटलेट जो फीमेल में होगा वो कैसा होगा, वाइडर होगा, और मेल में कैसा होगा, ये आपका नैरो होगा। नेक्स्ट है आपका इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, जो यहाँ पे ट्यूब्रोसिटी है, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी है, जो फीमेल में कैसी दिखेगी, शॉर्टर होगी, कैसा होगा, शॉर्टर होगा, और इसमें मेल में कैसा होगा, लॉन्गर होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ईजिली दोनों में क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं क्या डिफरेंट है, और ये इसके बेस पर इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेल का बोन है और कौन सा फीमेल का बोन है उसके स्ट्रक्चर के बेस में। तो आज हम लोगों ने पेल्विस बोन के बारे में डिस्कशन किया। अगर इस बोन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।